तो अब दिन की बात हुई हो जाए, आप मुझे देख रहे हैं कि बाबा कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं दीन का भी फिक्रमंद हूँ, पूरी उम्मत मुहम्मदिया का फिक्रमंद हूँ कि ये सारे के सारे जन्नत में चले जाएं। जन्नत में कैसे जाएंगे जब अल्लाह को नहीं मानेंगे? तो आपने बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना। जो मैं गलत कहूँ तो मुझे कहने की इजाज़त है कि आप गलत कह रहे हैं, तो जो मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर एग्री करना चाहिए कि भाई ठीक कह रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा तो हम मुस्लिम हैं। फिर सूरत हज 78 नंबर आयत, अल्लाह कहते हैं आपसे पहले जो गुजरे अंबिया वो सारे ही मुस्लिम थे, और मैं मुस्लिमीन की मदद करूँगा। जब अल्लाह ने वादा किया तो मैं तो वो हूँ जो अल्लाह ने कहा है कि मुस्लिमीन की मदद करूँगा, मैं तो मुस्लिम हूँ। फिर सूरत हज में अल्लाह कहता है, ए इब्राहिम मैंने आपको मुस्लिमीन पसंद किया। जो मुसलमानों की सबसे पहली जंग हुई जंगे बदर, उसमें अल्लाह के नबी ने सारी रात रो के दुआ की, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात है मुस्लिमीन की, ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा। आज इनकी मदद ना फरमाई तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं। तो अल्लाह ने मदद फरमाई, ये 313 थे वो 750 से लेके 1000 तक थे। तो अल्लाह ने मदद किन की फरमाई? मुस्लिमीन की। हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ के इकरार किया कि हम दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। दीन मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान, ऐसा ही है ना। अल्लाह का हुक्म है नमाज, तो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो लिहाजा 5 वक्त तकबीर औला से नमाज पढ़नी चाहिए। जो 5 वक्त तकबीर औला से नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देंगे। पहला इनाम रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इनाम कब्र का अज़ाब माफ़ हो जाएगा, तीसरा इनाम अमालनामा दाएँ हाथ में मिलेगा, चौथा इनाम बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा, पांचवा इनाम और सिराज से बिजली के तेज से गुजर जाएगा।